नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल अरेरा कॉलोनी। बच्चों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के का पहला अध्याय राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 11वीं का पहला अध्याय है। तो चलिए आज हम लोग कुछ इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? यह एक थ्योरी है। थ्योरी है मतलब यह मनुष्य की अस्मिता के कुछ जुड़वा पहलुओं से बंधा हुआ है। यह मनुष्य के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य के पास विवेक होता है, अपनी गतिविधियों को बताने की योग्यता होती है, उनके पास भाषा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के संवाद है और अपने विचारों पर वो चर्चा कर सकता है, और यही बात उसको अन्य प्राणियों से और जानवरों से अलग करती है। इस तरह राजनीतिक सिद्धांत मनुष्य की योग्यता व विवेक का प्रतीक है। अब राजनीतिक सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार को हमारी जरूरत क्यों है, सरकार का कौन सा रूप अच्छा है, राजतंत्र अच्छा है कि लोकतंत्र, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, शासन के अपने नागरिकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, माने शासन अपने नागरिकों के लिए क्या, शासन को क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के लिए, किस तरह से नियम कानून बनाना चाहिए, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, और नागरिकों के एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। समानता व न्याय जैसे मूल्यों के बारे में भी विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की जांच करता है और राजनीतिक जीवन को प्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में विचार करता है। यह संबंधित अवधारणाओं के अर्थ व महत्व की व्याख्या करता है, जैसे यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, समानता आदि की वास्तविकता को परखता है। राजनीतिक सिद्धांत यह भी देखता है कि कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे सरकार और नौकरशाही की नीतियों को किस तरीके से अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। तो राजनीतिक सिद्धांत में का इसका उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और राजनीतिक सामाजिक घटनाओं को सही तरीके से आंकलन करने का प्रशिक्षण देता है। तो बच्चों आप ये, अब हम ये सोचें कि ये प्रश्न उठता है कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है, एक एक करके अपन आगे देखते हैं बच्चों कि राजनीति क्या है। कई बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आता है, शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है कि राजनीति क्या है।
हाँ, राजनीति क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे कहते हैं, अक्सर लोग सुनते जाते हैं, अरे वो तो राजनीति कर रहा है, अरे वो तो पॉलिटिक्स खेलता है। कोई दो बच्चे आपस में बातें करते हैं तो कोई तीसरा बच्चा कहता है, अरे ये दोनों बड़े पॉलिटिक्स खेलते हैं, इनसे दूर रहो। तो क्या है राजनीति? तो बहुत सारे लोगों की, हर व्यक्ति की राजनीति के बारे में अलग अलग राय होती है, अलग अलग राय होती है। जैसे राजनेता और राजनीतिक पदाधिकारी इसे एक समाज सेवा मानते हैं, और कई इसे महत्वाकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का एक जरिया मानते हैं। कई अन्य इसे राजनीतिक कई अन्य लोग इसे कहते हैं कि राजनीति तो वही है जो राजनेता करते हैं, और कुछ भ्रष्टाचार को राजनीति मानते हैं, कुछ लोग झूठे वादों को राजनीति मानते हैं, और कुछ लोग घोटाले को नाम को राजनीति मानते हैं। इस तरह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम स्वार्थ साधने वालों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह यदि कोई अपने पद का या हैसियत का उपयोग करके अपना काम बनाए तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहा है। तो स्वार्थपरता के ऐसे उदाहरण देखकर हम कहने लगते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है और इससे दूर ही रहना चाहिए। हर वर्ग के लोग इससे दूर रहना चाहते हैं। कुछ मानते हैं कि यदि राजनीति में पहचान है तो कोई भी काम आसान हो सकता है। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी बातों से होता रहता है। तो आप बताएं बच्चों, क्या राजनीति इतनी वांछित अवांछित गतिविधि है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, या ये इतनी उपयोगी है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए इससे कोई दूसरा साधन है ही नहीं, और हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यह बेहद दुख की बात है कि राजनीति का संबंध किसी भी निजी स्वार्थ को पूरा करने वाले साधन के रूप में जुड़ गया है। राजनीति का सही अर्थ यदि हम देखें तो यह समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक बार गांधी जी ने कहा था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ कर रखा हुआ है, और इससे जूझने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये कि राजनीति से अलग नहीं रहा जा सकता। इसी संदर्भ से जुड़ी एक बात और है कि राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी भी ढांचे के बिना कोई भी समाज में जिंदा नहीं रह सकता। अतः जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों के विभिन्न जरूरतों और हितों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक संगठन बने हुए हैं या जो भी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं उसमें सदस्यों के सारे हितों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्थाएं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आई और इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब राजनीति हमें ये बताती है कि सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे कार्य करती हैं। ये राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दर्शाने वाली। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि राजनीति
सरकार के कार्यों तक ही सीमित है? नहीं, वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करती है, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से। जैसा हम देखते भी हैं कि सरकारें हमारे लिए आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीतियाँ निर्धारित करती है। ये नीतियाँ लोगों का विकास करती है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि एक भ्रष्ट सरकार लोगों का जीवन व सुरक्षा को खतरे में भी डाल सकती है। यदि सत्तारूढ़ सरकार जातिता, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हड़ताले, आंदोलन, काम नहीं करना, आगजनी करना, भूख हड़ताल करना, धरना देना जैसी चीजें हमें फिर देखने मिलेंगी, और इससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, और जो बच्चे राजनीति में भाग लेना चाहेंगे वो भी गलत तरीके से ही उसमें शामिल हो जाएंगे। परंतु यदि सरकार साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, जीवन खुशहाल हो जाएगा, हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। चूंकि सरकार का हम पर गहरा असर पड़ता है तो हम सरकार के काम में संलग्न होते हैं, संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगों का प्रचार करते हैं, और जब हम सरकारी नीतियों से असहमत होते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। वर्तमान कानून बदलने के लिए प्रदर्शन, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि का सहारा लेते हैं। अतः राजनीति लोगों के जीवन को कई अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है और हम सरकार के कार्यों में शामिल होते हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस कथन से है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इस बारे में भी सबकी अलग अलग राय होती है। जब जनता बहस करती है, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है, तो ये क्रियाएं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जाता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। जब जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है, उसमें अपनी अच्छाइयों, जो उनको अच्छा लगता है उनके बारे में वो उन्हें राय देती है, अपनी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो शामिल हो सकती है, तो कहा जाता है कि जनता राजनीति में शामिल है। तो बच्चों, एक बार हम ये देखेंगे कि राजनीति का जो सही अर्थ है वह समाज का महत्वपूर्ण अंग माना गया है राजनीति को, क्योंकि राजनीति के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। हम अपने घर में, परिवार में, समाज में और जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां हम किसी ना किसी तरीके से राजनीति से प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि गांधी जी ने इसे जब सांप की कुंडली की तरह जकड़ के रखा है, राजनीति ने हमें ये संज्ञा दी कि जिस तरह से सांप की कुंडली से बाहर नहीं निकला जा सकता, इसी तरीके से राजनीति से भी बाहर नहीं निकला जा सकता। तो इस तरह से बच्चों, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो बच्चों अभी हमने देखा कि राजनीति क्या है, अब हम ये देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीति सिद्धांत में
हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखाई देगा, परंतु इसके साथ साथ निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित भी किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता व समानता ऐसे ही एक आदर्श सिद्धांत है जो जनता को प्रोत्साहित करते हैं और नीतियों को निर्देशित करते हैं। जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता, ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं और विभिन्न देश इन मूल्यों को अपने संविधान में समाहित करने, उसकी रक्षा करने का प्रयास हमेशा करते हैं, जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। आज हम सिद्धांतों को देखते हैं या जिन सिद्धांतों की बात हम करते हैं तो या जिन्हें संविधान में शामिल किया गया है तो उनकी उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। बच्चों, इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य से लेकर अरस्तु और रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें समय समय से वाद विवाद होता आया और तब जाके ये सिद्धांत बन सके। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श इस बात पर किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। रूसो ने बताया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने भी तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि स्वतंत्रता। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ बताया, उसके बारे में बताया कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। हम और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया और इसीलिए उनसे ज्यादा बेहतर स्वतंत्रता की राय कोई और नहीं बता सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। अब इनमें से कई विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किए गए हैं। हमारे अधिकारों में इनको लाया गया है, जैसे किसी भी रूप में छुआछूत को निषेध किया गया है और गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत ने जिन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित किया है उनसे हमारे सामाजिक जीवन ने, सरकार ने और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं के अर्थ स्पष्ट करता है। इसके अलावा यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की जांच भी करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स, गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर पीढ़ी के नेताओं को प्रभावित किया है। राजनीतिक सिद्धांतकार
हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी संभावनाओं को बताते हैं। वो हमारे सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की बात करते हैं। सिद्धांतों का व्यवहार में उतरना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त कर चुके हैं? यदि भारत के संदर्भ में देखें तो हम सचमुच स्वतंत्र हैं। ये बात अलग है कि अलग अलग समय में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मामले उठते रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से लोग समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, परंतु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं है। कुछ लोगों के साथ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव होता रहा है। और इसी तरह समाज के कुछ लोगों को विशेषाधिकार देने की बात तो होती है, परंतु वहीं वे कुछ बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो जाते हैं। कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें रोजगार मिल जाता है और कुछ जरूरी स्कूली पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बच्चों को छोटी उम्र में ही काम पर जाना पड़ता है, कई बच्चियों को अपने छोटे भाई बहनों को देखना पड़ता है जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते, और भी कई सामाजिक बंदिशें उनके साथ लगी हुई हैं। तो उनके लिए स्वतंत्रता जैसी तो कोई भी चीज है ही नहीं, स्वतंत्रता उनसे बेहद दूर है। हम और आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि व्यवहार में राजनीतिक सिद्धांतों का उतरना तो नामुमकिन ही जैसा लगता है। इस तरह संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी तो दी गई है, परंतु हमें फिर भी हमेशा नई नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार हमारे मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या होती है। लिंग भेद, छुआछूत, अमीरी गरीबी, ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ हम देखते हैं इनको। लिंग भेद जैसी चीजें तो अक्सर ही हमें उनका सामना करना पड़ता है अपने दैनिक जीवन में, छोटी से छोटी बातों पर भी। और चूंकि स्वतंत्रता की गारंटी की नई नई व्याख्याओं का रोज सामना होता है, तो मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या भी होती रहती है। नई परिस्थितियों के आधार पर मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या हुई, जैसे आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया और सूचना के अधिकार को एक गारंटी के रूप में एक नए कानून के रूप में माना गया। ये सारी चीजें होती रही, मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या होती रही, स्वतंत्रता के अलग अलग मायने होते रहे, समानता के अलग अलग मायने बदलते चले गए। इन सारी चीजों से एक समस्या से सामने आती दिखाई देती है। वो क्या है बच्चों, आप बताएंगे? कभी अपन ने सोचा है? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, आजादी के संभावित खतरे भी बदलते चले जा रहे हैं। संभावित खतरों के रास्ते खुलते जा रहे हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के खतरों का सामना हमें करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए तकनीकी ज्ञान और विज्ञान ने
एक तरफ तो विश्व को संचार के क्षेत्र में समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर इससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा पैदा हुआ है। वहीं आतंक जहां वैश्विक संचार तकनीकी आदिवासी संस्कृति को जोड़ रही है, उनका तालमेल बना रही है, वहीं आतंकवादी और अपराधियों के लिए भी इसके नए रास्ते खुल रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट से व्यापार बढ़ रहा है, लोगों की व्यक्तिगत सूचनाएं भी उजागर हो रही हैं। वैसे इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, पर व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी ना किसी प्रकार की वो सुरक्षा चाहते हैं। तो अब प्रश्न उठता ये है कि इंटरनेट उपयोग करने वालों को कितनी स्वतंत्रता दी जाए? क्या अजनबी को हम अपना ईमेल भेज सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति का ईमेल देख सकती है? ये सारी समस्या हमारे सामने आती है। तो ये अधिकार कितना होना चाहिए और किसका होना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र निकायों को? तो बच्चों, आप लोग ये सोचकर बताइए। अब हम इसके दूसरे पहलू में आते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के क्या संभावित उत्तर मिलते हैं, कि ये हमें क्या बताता है, क्या बताते हैं राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या बताते हैं? तो राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में किस तरह उतारा जाता है ये बताता है। फिर दूसरी बात, राजनीतिक सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि की उत्पत्ति, अर्थ व महत्व के बारे में अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी व न्याय को अलग अलग तरीके से जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा को कई तरीके से बता दिया जाता है, जैसे समानता का संबंध मनुष्य के संबंधों से होता है, वह अपनी अपनी राय रखता है और उनमें तालमेल रखने की जरूरत होती है, यह बताता है। जैसे कुछ लोग दुकान, कार्यालय या डॉक्टर की क्लिनिक में लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर हम समानता का व्यवहार उनसे चाहते हैं। परंतु यदि किसी वृद्ध या विकलांग के लिए अलग काउंटर है तो हमें उनकी विशेष व्यवहार करना सरल सही लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि कई गरीब पैसों के अभाव में दुकान या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो हम महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज के कुछ लोगों की बुनियादी जरूरतें ही पूरा नहीं हो पाती और समानता से के निष्पक्ष रूप से सभी वर्गों में एक तरह से बंटवारा नहीं होता। तो बंटवारा जब नहीं होता तो क्या होता, लोग शोषित होते हैं और आर्थिक कारणों से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ समानता कहाँ है? राजनीतिक सिद्धांत जो अपनी एक बात कहता है कि समानता होनी चाहिए, तो यहाँ समानता कहाँ है? समानता, अगर समानता की बात करें तो वह केवल समान लोगों के बीच में ही होनी चाहिए। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देता है, परंतु गरीब तबके के बच्चे नहीं पा पाते हैं वो शिक्षा। ऐसे बच्चों को और उनके माँ बाप को सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत समानता के बारे में
सबके विचार काफी अलग अलग हैं। कभी हम समान अवसर चाहते हैं, कभी हम विशेष प्रावधान पाने की बात भी करते हैं। परंतु जब हम बुनियादी जरूरतें ही पूरा नहीं कर पाते तो समान अवसर मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को स्कूल जाने, रोजगार पाने, अच्छा वेतन पाने और चिकित्सीय सुविधाएं पाने के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो राजनीतिक सिद्धांत की समानता, स्वतंत्रता जैसी चीजों को पूरा कर सके। इस तरह समानता का अर्थ किसी प्रसंग या परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनीतिक सिद्धांत में इन बातों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 पर संपर्क करें।